हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नई जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने अपने घर में देखे होंगे कि आपके घर में बहुत सारे तांबे के बर्तन होते हैं, लेकिन कभी भी उनमें खाना नहीं खाया जाता है, यानी कि खाना खाने के लिए कभी भी तांबे के जो बर्तन होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि जो तांबे के बर्तन हैं उनका प्रयोग खाने में क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो धार्मिक कारण है वह यह कहता है कि तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के जो बर्तन होते हैं उनका प्रयोग देव पूजन में लाया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं, चाहे वह जल का लोटा हो या फिर कोई ऐसी थाली हो, तो उनका प्रयोग जो होता है भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। तो यह एक धार्मिक कारण होता है। और यदि हम बात करें वैज्ञानिक कारण की, तो तांबे के बर्तन में भोजन रखने से भोजन में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। इससे बर्तन में रखा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है वह विकृत यानी खराब होने लगता है। और यदि आपको इस बात पर यकीन ना हो तो आप क्या करें, अपने घर पर किसी भी तांबे के बर्तन यदि आपके घर में हो तो आप उसमें कोई भी खट्टी चीज़ रख कर देखें। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो तांबे के बर्तन में रखी हुई चीज़ है उसमें हरापन आने लगेगा, आपके तांबे के बर्तन का कलर चेंज होने लगेगा। यही प्रूफ है रासायनिक अभिक्रिया का, जिसकी वजह से जो तांबे में रखा हुआ खाना होता है वह खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तांबे के बर्तन में यदि आप रात में पानी भरकर रखें और उसे सुबह पिएं, तो आपकी जो पेट संबंधी समस्याएं हैं वह बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, आपको पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।